लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेटजी की बात करी थी। सर ने भी आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताई थी किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, क्या क्या टाइमिंग रहेगी और क्या क्या क्लासेस हमारे पास रहेंगी यहाँ। तो उसी ड्यूरेशन में आज हम रीजनिंग की अपनी फर्स्ट सेशन देख रहे हैं। देखिए, बात क्योंकि हमारी चल रही है पेपर की, और पेपर जो हमारे पास है दैट इज आईबीपीएस क्लरिकल प्री। आपको पता है आईबीपीएस क्लरिकल प्री का जो पेपर आएगा आपके सामने वो बहुत बेसिक आने वाला है। तो यहाँ पे जो आपके पास में जितना भी फोर्स रहेगा, आईबीपीएस रीजनिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो रीजनिंग के अंदर जितना भी प्रेशर आपका रहेगा वो नंबर ऑफ क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी क्लियर करने पर रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी वो इजी टू मॉडरेट लेवल की आएगी, क्योंकि ये मेंस नहीं है, आप प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हो। तो इजी टू मॉडरेट लेवल की रीजनिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी प्री के अंदर। तो हमें उस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने हैं जो इजी टू मॉडरेट हैं और उन्हें जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है? तो धीरे धीरे हम लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, लेकिन क्योंकि हम बेसिक फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हम बेसिक, बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे वो कुछ इस तरीके के ही होंगे आपके सामने, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर वन, हमारे पास एक बहुत ही इजी या फिर मॉडरेट लेवल की पजल है अगर हम बात करें तो। इस पजल के अंदर हमें क्या बोला गया है कि 6 पर्सन बैठे हुए हैं, जितनी जल्दी हम इसे सॉल्व करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। देखो, इस तरह की क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 6 पर्सन हमारे सामने बैठे हैं, वो हॉलीडे पे गए हुए हैं, छुट्टियों पे गए हुए हैं, बस हमें इसको स्कैन करना है, ठीक है? ज्यादा देर तक पढ़ना नहीं है, केवल स्कैन करना है कि 6 लोग हैं हॉलीडे पे गए हैं, 6 डिफरेंट डेज पे। वो डेज वीक डेज है, स्टार्ट हो रहे हैं मंडे से सैटरडे तक। मतलब ये एक ऑर्डर वाली पजल है जिसके अंदर आपको ऑर्डर दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक का, मंडे से लेके सैटरडे तक का। तो मैं यहाँ तुरंत यहाँ पे क्या करूंगा, मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, क्योंकि 6 दिन के लिए गए हैं तो संडे उसमें काउंट उन्होंने नहीं किया है और वो शो भी नहीं कर रखा, ठीक है? अब वो क्या कह रहा है, नॉट मोर देन 2 पर्सन गो बिटवीन क्यू एंड टी। मतलब इसकी कितनी सिचुएशन बन सकती है, 2 या 3 सिचुएशन बन सकती है कि 2 लोग, नॉट मोर देन 2, 2 से ज्यादा नहीं, मतलब या तो क्यू और टी आमने सामने आसपास बैठे हैं या उनके बीच में 1 है या 2 है, इससे ज्यादा कंडीशन नहीं है, तो इसको हम होल्ड रखेंगे। आगे बोला है हु गोज ऑन थर्सडे। अब ये क्लियर हो गया कि टी कब जाता है, थर्सडे को जाता है, और टी और क्यू के बीच में या तो 1 है या 2 है या कोई भी नहीं है, तो क्यू इन दोनों में से या फिर इन दोनों में से कहीं आ सकता है, लेकिन उसने क्या कह दिया, नॉट मोर देन 2 पर्सन गो बिटवीन क्यू एंड टी, 2 से ज्यादा, और 2 से ज्यादा कहीं कंडीशन बन भी नहीं क्योंकि थर्सडे को आ रहा है, तो या तो क्यू यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, इनमें से कहीं भी क्यू आ सकता है। आगे चलते हैं, 2 पर्सन गो बिटवीन यू एंड टी। अच्छा, ये क्लियर हो गया, तो 2 पर्सन गो बिटवीन यू एंड टी आ गया, तो टी अगर यहाँ फिक्स है तो यू यहाँ भी आ सकता है, और एक कंडीशन ये बन सकती है कि अगर टी यहाँ पे है तो यू नीचे नहीं जा सकता, ठीक है? ये बात मुझे क्लियर हो गई, तो यू केवल कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, ये वाली कंडीशन हम नहीं बना सकते, इसको हम सेव करके रख लेते हैं जब हम क्यू की बात करेंगे उसके लिए। मोर देन 1 पर्सन गो बिटवीन क्यू एंड पी, क्यू और पी के बीच में क्या हो रहा है, मोर देन 1 पर्सन है, 1 से ज्यादा है। अच्छा, क्यू कहाँ कहाँ आ सकता है, इन चारों में से क्यू कहीं पे भी आ सकता है, और क्यू और पी के बीच में 1 से ज्यादा लोग हैं, ठीक है? अगर क्यू यहाँ है तो पी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, अगर क्यू यहाँ है तो पी यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, तो इन दोनों केसेस में क्यू की कंडीशन में पी यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही उल्टा होगा। आगे देखते हैं, देयर आर एज मैनी पर्सन बिटवीन यू एंड आर एज मैनी बिटवीन P एंड R, U और R के बीच में उतने ही है जितने P और R के बीच में। अच्छा, U और R, R कहाँ करें, जितने P और R, अगर मैं U को यहां रख करके R को यहां रखता हूं तो P यहां आ जाएगा, अगर R को यहां रखता हूं तो P यहां पे आएगा, और R और नीचे नहीं जा सकता, तो U को यहां रख के अगर मैं P को यहां रखता हूं तो मेरे कंडीशन में U को रख के R यहां रखते हैं तो P यहां आ जाएगा, एक कंडीशन ये बन गई। U को यहां रख के अगर R को मैं यहां रखता हूं तो 1 का गैप है, तो उनके बीच में भी 1 का गैप, ये 2 केसेस बन पाएंगे बस मेरे पास में, ठीक है? आप देखिए क्या बोला जा रहा है, क्यू डज नॉट गो ऑन सैटरडे, क्यू सैटरडे को नहीं है, तो क्यू सैटरडे को नहीं है तो यहाँ पे अगर क्यू नहीं आ सकती तो इन दोनों ही प्लेसेस पे नहीं आ सकती, 1 2 3 4 5 6 बचे, तो क्यू कहाँ जा सकती है, 4 तो ये हो गए, तो क्यू के लिए इधर तो ये जगह हो गई। यहां तक मेरे हिसाब से बात क्लियर होगी सबको, और इसकी मैं बात करूं तो 1 2 2 3 4 5 और 1 ही 6, टोटल 6 हो गए, 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है? ये 6 लोग हमारे पास में हैं। अब यहां पे देखो, क्यू यहां नहीं आ सकता तो यहां पे क्यू को यहां आना पड़ेगा। अब वापस ऊपर आओ, नॉट मोर देन 2 पर्सन गो बिटवीन क्यू एंड टी, क्यू और टी के बीच में 2 से ज्यादा नहीं है, ये क्लियर हो गया यहाँ पे। टी हु गो थर्सडे, 2 पर्सन गो बिटवीन टी एंड यू,
कितने, दो लोग टी और यू, क्लियर है? मोर देन वन पर्सन गो बिटवीन क्यू एंड पी, क्यू और पी के बीच में मोर देन वन है, क्यू और पी के बीच में मोर देन वन है, तो ये गलत हो गया और ये सही हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारे पास में। तो यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग अब मैं देखूं तो कौन बच रहा है मेरे पास में, एस, तो मैं एस को इधर बैठा दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व। हाउ मेनी पर्सन गो बिटवीन क्यू एंड पी, तो क्यू और पी के बीच में कितने हैं, टू आ जाएगा। हाउ मेनी हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गो जस्ट बिफोर पी, पी से जस्ट पहले कौन आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा टी, ठीक है। और आगे चले तो हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गो ऑन ट्यूजडे, तो ट्यूजडे को कौन आ जाएगा, क्यू। और आगे चले तो हाउ मेनी पर्सन गो बिफोर यू, तो नो वन, कौन आ जाएगा, नो वन, नन, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, तो मंडे को क्यू है क्या, बिल्कुल नहीं। आगे चले तो थर्सडे को आर है, तो थर्सडे को यदि मैं बोल तो आर नहीं है, वेनसडे को है, ट्यूजडे को यू और फ्राइडे पी, ट्यूजडे को यू और फ्राइडे पी, तो फ्राइडे को पी है, ट्यूजडे को यू नहीं है, मतलब आंसर आ जाएगा फ्राइडे को पी, आंसर इज डी। यहां तक क्लियर है, ये पांच क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिलोजिज्म का। तो सिलोजिज्म ये बहुत बेसिक वाला है, आपको भी बेसिक ही देखने को मिलेगा, प्री के अंदर बहुत ज्यादा टफ सिलॉक्स नहीं मिलेगा। अभी हम बेसिक लेवल से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि कोई अगर हमारे साथ में जो नए बच्चे हैं जो बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। धीरे धीरे हम आगे भी बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर थ्री स्टेटमेंट मुझे दिए हुए हैं, तो तीनों स्टेटमेंट मैं क्रिएट कर लेता हूँ। हनी की बात की जा रही है, शुगर की बात की जा रही है, फिर शुगर के साथ में सॉल्ट की बात की जा रही है, और फिर हनी के साथ में वाटर की, मतलब कनेक्शन इसका इसके साथ है और इसका इसके साथ है। तो अगर मैं बात करूं तो सारे की सारे जो हनी मेरे पास में यहां है वो शुगर के अंदर है, ठीक है। और शुगर की अगर मैं बात करूं तो कुछ शुगर जो है वो सॉल्ट है, ठीक है, यहां तक क्लियर है, और कोई भी हनी वाटर नहीं है, ये एक कंडीशन बन गई। बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। चलिए अब ये डायग्राम अगर मेरे पास में है तो कोई कंक्लूजन नंबर वन पे आते हैं कि सम सॉल्ट इज नॉट वाटर। अच्छा, सम सॉल्ट इज नॉट वाटर मैं नहीं कह सकता क्योंकि नो का रिलेशन वाटर का हनी के साथ में है, ठीक है। अगर यहाँ पे वाटर का शुगर के साथ में नो का रिलेशन होता तो वो वाले सॉल्ट जो शुगर में है वो भी सम नॉट बन जाते, लेकिन अब यहाँ पे हनी का है और जरूरी नहीं है कि हनी सॉल्ट के साथ कनेक्ट में रह भी सकता है और नहीं भी, तो ये बात हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि सम सॉल्ट आर नॉट वाटर, ये गलत हो गया, इनका कोई रिलेशन नहीं है वाटर और सॉल्ट का। दूसरा है सम हनी इज वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, हनी के वाटर होने की संभावना है, ये भी क्या हो गया, गलत। क्यों? क्योंकि तो इनके बीच में रिलेशन कैसा है, नो का, तो इनके बीच में सम और ऑल की कंडीशन तो कभी भी पॉसिबिलिटी में भी सही नहीं होगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है तो इसके अंदर आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है यहाँ पे कि सम डांस आर क्लासेस, तो कुछ डांस क्या है, क्लासेस हैं, तो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं कुछ डांस क्या है, क्लासेस हैं, ये हमने मेंशन कर लिया, ठीक है। और ऑल क्लासेस आर ओल्ड, की सारी जो क्लासेस यहाँ पे आ रही हैं, ये जितनी भी क्लासेस हैं ये सब ओल्ड क्लासेस हैं। और अगला है कुछ ओल्ड जो है वो गोल्ड होता है, ये तो हमने सुना भी है, ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है। चलिए ये हमारे पास में डायग्राम हो गया, मतलब अगर कोई बात करे इस सेक्शन की तो इस सेक्शन में कुछ डांस क्लास भी हैं और कुछ डांस ओल्ड भी हैं, ठीक है। चलिए सम गोल्ड आर क्लासेस, सम गोल्ड आर क्लासेस, तो क्लासेस और गोल्ड जो है इनके बीच में रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी, तो हम इस बात को निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि कुछ ग्लास क्या है, सॉरी कुछ गोल्ड क्या है, क्लासिक है, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ गोल्ड ओल्ड जरूर है, ये डेफिनेट है, कौन से वाले, ये वाले, लेकिन वो क्लासिक हैं कि नहीं ये हमें नहीं पता। नो क्लासिक इज गोल्ड, नो क्लासिक इज गोल्ड, तो ऐसा भी नहीं है क्योंकि इनके बीच में नो का रिलेशन थोड़ी है कि हम नो क्लासिक इज गोल्ड कह दें, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो रिलेशन है वो हमें स्टेटमेंट में नहीं दिया गया, इसलिए कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये कहना निश्चित रूप से तो क्या हो जाएगा, गलत। हाँ, इसकी संभावना हो सकती है। यहां तक मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये आपके पास में डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट ए इज 12 मीटर वेस्ट टू पॉइंट बी, ठीक है। अगर मैं बी को यहां बनाता हूं तो बी के रेस्पेक्ट में पॉइंट ए वेस्ट में है और वेस्ट इधर होता है, और बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में ए कहाँ है, 12 मीटर वेस्ट है। यहां तक क्लियर हो गया, पॉइंट ए इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट एफ इज एफ, अब देखो F का रिलेशन D से आ गया जो यहां नहीं है,
आगे चलते हैं। जी का रिलेशन ई से आगे जो नहीं है, सी का रिलेशन बी से। हाँ तो उठाएंगे आप किसको, इसको उठाएंगे। तो पॉइंट सी इज 8 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट सी इज 8 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट बी, ठीक है। तो ये कौन हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब सी से डी का रिलेशन यहां आ गया कि डी जो है वो 3 मीटर नॉर्थ में है सी के। तो ये टोटल कितना था, 8। इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, अगर ये आपके पास ये 8 है, ठीक है, ये बी है और ये अगर सी है, तो उस कंडीशन में मेरे पास में यहां पे ये 3 मीटर पे ये कौन आ गया, डी आ गया ऊपर की तरफ, क्लियर है। और डी का रिलेशन किसके साथ होगा, एफ के साथ। ये दिया हुआ है एफ 8 मीटर ईस्ट में है डी के, तो ईस्ट इधर जाएगा और कितना, 8 मीटर। तो ये कौन आ गया मेरे पास में, एफ आ गया 8 मीटर ईस्ट किसके, डी के। और अब लास्ट क्या बचा है मेरे पास में, जी और एफ बचा है। तो एफ का रिलेशन है क्या किसी के साथ, एफ का तो नहीं है, लेकिन ई का सी के साथ जरूर है कि ई 6 मीटर वेस्ट में है सी के, 6 मतलब इसका आधा। ये कौन हो गया मेरे पास में, ई हो गया। और ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब एक ही बचा है कि जी पॉइंट जो है वो 10 मीटर नॉर्थ में है, 10 मीटर मतलब 8 से भी ज्यादा, मतलब यहां से अगर मैं लूं तो थोड़ा सा और ऊपर यहां पे कहीं, ये टोटल 10 मीटर हो गया। यहां पे कहीं कौन बैठा है, जी बैठा हुआ है, ये कितना होगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है सबको यहां तक। चलिए फिर अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, ए और डी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। तो डी ये था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, ये वाली होती है। ये टोटल 8 था जिसमें से ये नीचे वाला 3 था, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। ये कितना था, 8 था, ये 5, ये 8। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की यदि मैं बात करूं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या तो ये वाली होगी, और इस कंडीशन में बात करें तो ये वाली होगी। तो 8 और 5 13 होते हैं, ठीक है, इस कंडीशन में तो 13 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं वैसा वाला निकालना चाहूं, बीच की डिस्टेंस जो शॉर्टेस्ट होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, उस अकॉर्डिंग निकालना चाहे तो इसके अकॉर्डिंग कोई भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 8 8 जो 64 और ये 25, ये कितना हो जाएगा, 989, जो किसी का भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं, आंसर यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए और डी के बीच की, ये वाली हो जाएगी, ठीक है, टोटल काउंट करके जो आएगी। यहां तक क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो पॉइंट डी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू जी, डी जी के रेस्पेक्ट में कहां है। तो जी है कहां, पहले ये ढूंढो, ये रहा जी, अगर जी ये है तो जी के रेस्पेक्ट में डी कहां है। तो देखो अगर आप पता लगाओगे तो ये इस तरीके की यहां डायरेक्शन जा रही है, और ये डायरेक्शन किस किस के उसमें है, ईस्ट और साउथ के बीच की है, और ईस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ ईस्ट। आंसर क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट, आंसर नंबर ई। और आज का लास्ट सवाल कि इफ पॉइंट वाई इज 7 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट जी, देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एफ। उसने किसके बीच का पूछा है, वाई और एफ के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी है, ठीक है। तो ये इस कंडीशन के अंदर यदि हम चलें तो यहां पे हमारे पास में हमें वाई और एफ चाहिए, और क्या बोला गया है, वाई 7 मीटर साउथ है जी से, ठीक है। तो चलिए इसको चेक करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा हमें समझने में प्रॉब्लम होगी, तो मैं इस डायग्राम को एक बार यहां बना लेता हूं। यहां जब मैं इसको बनाऊंगा तो ये अगर मेरे पास में ए है, ठीक है, ए के इस तरफ ये कौन आ गया, ये हमारे पास में बी है। ये टोटल डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए थी 12 मीटर। इसके नीचे की तरफ जाऊंगा तो ये मेरे पास में सी आ जाएगा, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है। ये टोटल डिस्टेंस मेरे पास में 8 थी, ये आपको ध्यान रखना है, 8 में से ये 3 मीटर की थी ये वाली, और ऊपर वाली ये 5 की थी, ठीक है। और ये मैं गया F, यहाँ पे F आ गया मेरे पास में, ये टोटल 8 मीटर हो गई। और आपको पता होगा ये कहा गया था, ऊपर यदि आप चेक करोगे तो यहां इसने कहा था कि पॉइंट G इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ E, पॉइंट G जो है 10 मीटर नॉर्थ है E का, ठीक है। तो E पे को अगर बनाना है तो E मेरे को पता था कि C के ईस्ट में यहां पे E था, और ये कितना था, 6 मीटर था, मतलब इसका हाफ, और E से 10 है तो आपको पता है ये जो टोटल डिस्टेंस है अभी अभी हमने बात करी 8 मीटर की है, मतलब इससे कितना और ऊपर, इससे 2 मीटर और ऊपर, यहां पे ये 2 हो गया, ये नीचे वाला 8 हो गया, समझना, ये 8 हो गया, ये ऊपर वाला 2 हो गया, नीचे वाला 8 हो गया, टोटल 12 हो गया। तो ये ऊपर वाला जो पॉइंट आया है, ये पॉइंट कौन सा आया है, जी, क्योंकि हमने ई और जी के बीच की 10 मीटर की डिस्टेंस देखी। क्लियर है यहां तक, ये डायग्राम बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखो तो क्वेश्चन पे अगर आप आओगे तो इफ पॉइंट वाई इज 7 मीटर साउथ ऑफ जी, जी का साउथ नीचे है, 7 मीटर जाना है। तो देखो 2 तो ये हो गया,
फाइव और नीचे आए, और अभी अभी हमने कहा था ये फाइव है और ये थ्री है, इसका मतलब इसी के पैरेलल पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये कौन को इंडिकेट करेगा, y को, कि इफ पॉइंट y इज 7 मीटर साउथ ऑफ g, इसका मतलब ये यहां से लेकर के ये वाली जो डिस्टेंस है ये 7 मीटर हो गई, इसका मतलब ये 2 है तो ये कितना हो गया, ये 5 मीटर हो गया, इसका मतलब ये पैरेलल हो गया दोनों पॉइंट्स। यहां तक क्लियर होगा है, अब पूछा क्या है, then the shortest distance between y and f, तो y और f की shortest distance तो यही हो जाएगी ना, तो f d और f के बीच में तो 8 है, ये कितनी थी 6, हम बात कर चुके थे, तो 8 और 6 कितना हो गया 8 plus 6 total मिला के 14, means answer is 14, answer क्या आ जाएगा हमारे पास में 14 आ जाएगा। यहां तक सबको बात क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट सेक्शन फिर से लेंगे, उसके अंदर हम फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छा करने की, तो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमारी स्पीड डेवलप होगी, क्योंकि हमें स्पीड डेवलप करनी है, प्री की चीजें हमें आती हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।